सबसे पहले तो दोस्तों सभी को होली की मुबारकबाद हो, सभी की ज़िंदगी में रंग भरे, खुशियाँ लाए, होली का त्यौहार सभी खुशी खुशी से मनाए। और दोस्तों हमेशा कोई ना कोई फंक्शन आता है तो मैं एक मैसेज ज़रूर छोड़ता हूँ पति पत्नी माँ बाप सबके लिए, और आज भी एक प्रैक्टिकल मैसेज छोड़ने जा रहा हूँ कि पति और पत्नी अपने केस को कैसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, जिससे आपका समय टाइम दोनों सेव हो सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पूरी डिटेल में अपन बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों कमेंट में नंबर ना छोड़िए, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, कंसलेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों पति और पत्नी एक ऐसा जीवन साथी है जिसको 7 जन्मों तक का जोड़ा माना जाता है, जीवन भर का साथी माना जाता है। पति और पत्नी दोनों की शादी होती है, उसके बाद बच्चे पैदा भी हो जाते हैं तो बच्चे माँ बाप से अलग हो जाते हैं, लेकिन पति और पत्नी का साथ कभी टूटता नहीं है, ये सबको पता है। ठीक है, शादी चाहे वो लड़की के माँ बाप कर रहे हों चाहे वो लड़के के माँ बाप कर रहे हों, खिलौना बनाने के लिए कभी शादी नहीं करते हैं। और यहाँ पे एक लड़का और लड़की जो पति और पत्नी होते हैं उनको इस चीज़ को भी समझना चाहिए अच्छे से कि आपका पार्टनर है, आप एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को मैनेज कीजिए, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। अब रिश्ता ऐसा नहीं चल पाएगा कि आप एक ही इंसान को फोर्स करते रहोगे, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, किसी न किसी की फीलिंग को आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, आए दिन आपको पता होता है कि माँ का रिमोट, चाहे वो पति की माँ का रिमोट हो चाहे वो पत्नी की माँ का रिमोट हो, भाई रहना तुमको है, माँ बाप के साथ तुम्हें नहीं रहना है, ये डिसाइड कर लीजिए आप। ठीक है, और जो रिमोट चला रहे हैं आपके माँ बाप जिससे रिश्ते टूटते हैं, उनको ये एहसास ज़रूर करा दीजिए कि आप भी किसी दूसरे घर से आए हैं, तो आपके रिश्ते को बीच में ज़्यादा इंटरफेयर ना करें। थर्ड पॉइंट आता है एडल्ट्री मामला। भाई एडल्ट्री मामला ही करना था तो शादी ही क्यों की हो तुम लोग, चाहे पति हो चाहे वो पत्नी हो। ठीक है, आपकी उम्र थी, शादी से अनमेरिड थे आप दोनों, पति और पत्नी कोई भी, जो भी एडल्ट्री में उन लोगों को बता रहा हूँ कि उससे पहले आपकी लाइफ थी, कुछ भी करिए आप एडल्ट पर्सन थे, आपको कानून आज़ादी दे रखा है, तो आप शादी के बाद तो एक बाउंड हो जाइए ना, शादी के बाद तो आपके लाइफ करियर में ऐसी चीज़ें मत लाइए जिससे कि ब्लेम लगे। और आप एक सोसाइटी में रहता है, कानून आपको अधिकार दे सकता है लेकिन सोसाइटी जिस जगह आप रह रहे हो, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, वो कभी ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि आप शादीशुदा होते हुए किसी गैर मर्द से या किसी गैर महिला के साथ संबंध रख सकते हैं। तो जो एडल्ट्री कर रहे हैं वो आफ्टर मेरी सुधर जाइए, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है, क्योंकि आपका करियर खत्म हो रहा है। जो एडल्ट्री करने वाला आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन बन के बैठा है, उसकी वजह से आप दोनों की ज़िंदगियां तबाह हो रही है, दोनों के परिवार की इज्जत खराब हो रही है, आपकी उसका कुछ नहीं जा रहा है, वो खेल खेलने आया है तुम्हारे साथ और खेल खेल रहा है अच्छे से। ठीक है, लड़ा तुमको ही रहा है, झगड़े तुमको करा रहा है, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत खराब। कोई भी बेटी का माँ बाप ये नहीं कहता शादी के बाद उस बेटी को कि तू कहीं हरकतें करना, कहीं बॉयफ्रेंड पटाना, कोई भी माँ बाप बेटे को ये शिक्षा नहीं देते कि शादी के बाद तू खुद की पत्नी को धोखा देना, किसी और लड़की के साथ अफेयर चलाना, कोई नहीं कहता किसी भी प्रकार से, चाहे कितने ही बुरे माँ बाप हो, लेकिन अपने बच्चों का फ्यूचर कभी भी गलत नहीं कर सकते माँ बाप, ये बात हमेशा नोट करना। ठीक है, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं आ सकते, ये बात सबके माइंड में फिट कर लेना कि भगवान हर जगह नहीं आ सकते, इसी वजह माँ बाप का रूप में भगवान आपको दिए हैं, और भगवान कभी किसी का गलत नहीं सोचते हैं, क्योंकि आपके माँ बाप आपके रूप में भगवान है, चाहे वो लड़की के माँ बाप है चाहे वो लड़के के माँ बाप है। तो हमेशा आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग समझना है, एक बेटी देके एक बेटा लिए हैं ससुराल वालों ने, तो आपके भी एक बेटा देके एक बेटी आई है घर में, ये मत सोचिए कि वह बहू है, किराएदार है, उसको मशीन की तरह यूज करिए, उसको काम कराइए दिन रात, उसकी कभी फीलिंग मत समझिए, वह भी एक इंसान है, उसको भी समझिए, वह भी एक घर का सदस्य है। ठीक है, तो आप जब तक मैच्योर नहीं होंगे, जब तक आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक जिम्मेदार नहीं बनोगे आपके रिश्ते को लेके, कोई भी थर्ड पर्सन उसमें इंटरफेयर करता रहेगा और उसका कारण से आपके रिश्ते दोनों के टूट जाएंगे। बात आता है कि सबसे ज़्यादा देखो 498 फैमिली मैटर में कभी कोर्ट भी ज़्यादा इंटरफेयर करना नहीं चाहता, ना ही पुलिस वाले कभी ज़्यादा इंटरफेयर करना चाहता, हमेशा यही करते हैं कि काउंसलिंग का मौका दिया जाता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ की बात खत्म हो जाए, कोर्ट में चली जाए, कोर्ट में भी आपको हमेशा कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करने की बात की जाती है कि दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के समझौता, मतलब डिसाइड आप दोनों को करना है, पति और पत्नी दोनों को डिसाइड करना है कि साथ रहना है या केस लड़ना है या मनी वेस्ट करना है टाइम वेस्ट करना है, डिसाइड दोनों पे होता है। जब आपको प्रैक्टिकल ये चीज़ें बताई जाती है, आप अनुभव भी किसी के साथ लेते हो, तो इस चीज़ को आप समझिए, कोई लीगल एडवाइज़र कौन क्या कह रहा है कोई नहीं, सब अपनी दुकान चला रहे हैं, सीधी सड़ बात है भाई, हम हमारी जगह हैं, हम वकील हैं, हमारी जगह है भैया, हमको बाल बच्चे पालने होते हैं, केस लड़ना होता है, सीधी सड़ बात होती है, हर वकील की यही डिमांड होती है, हम इंसाफ के लिए लड़ते हैं आपके लिए, लेकिन एक्चुअल में आपके साथ जो घटना घटी है उसका सॉर्ट आउट आप दोनों भी कर सकते हैं।
आप अपनी मनी वेस्ट मत करिए, कभी भी अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आपको सबको ये पता होगा अच्छे से कि जो केस होते हैं पति पत्नी के, वो उम्र 25 से लेकर 35 साल की उम्र में, जो एक लाइफ का ब्राइट, एक तरह से कहते हैं ब्राइट फ्यूचर बना सकते हो आप, उस टाइम को आप कोर्ट कचहरी में घुमा देती हूँ। कभी मत करिए ऐसी घटना किसी के बहकावे में, और शादी के बाद कभी भी किसी भी थर्ड पर्सन को कभी एंट्री, चाहे वो एडल्ट्री हो, चाहे वो माँ बाप का रिमोट हो, किसी का भी हो, एक पार्टनर को, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को साथ जीना है आपको, एक दूसरे को देखो, ये उम्र में आप दूसरे को कीमत समझ नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन आप दोनों अलग हो गए ना, तो एक दूसरे की कीमत तुमको ऑटोमेटिक समझ आएगी। कुछ तो पल आपके साथ होगा, कभी भी विवाद होता है पति पत्नी का, तो कुछ ऐसे अच्छे पल होंगे आप दोनों के, उनको याद कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा एक नेगेटिव ही सोच के रखिए, ऐसा नहीं है, और कोई नेगेटिव पार्टनर रहता भी नहीं है। आपके रिश्ते एक साल दो साल चले तो उसमें कोई ना कोई तो पॉजिटिव चीज़ रही होगी ना आप दोनों के साथ, उन चीज़ों को सोचिए। अरे एक महिला की सहन शक्ति होती है, मानते कि आज NCERB के आंकड़े देखते हो कि 80-90% मामले झूठे जाते, लेकिन 10-20% या 30% महिलाएं जो दुखी है, उनको भी आप समझने की कोशिश कीजिए, उनकी भी कोई दिक्कत हो सकती है, उनके साथ भी जो दो पल आप बैठ के बात कीजिए, जरूर वो आपको समझेंगे। हस्बैंड के साथ भी पत्नी कभी बैठ के बात कीजिए, क्योंकि हम हस्बैंड भी हमेशा ऑफिस में जाता है, परेशान होता है, बर्डन रहता है दिमाग में, आने के बाद उनसे आप झगड़ा करते हो तो वो चीज़ को नहीं समझ पाता और लड़ाई उत्पन्न हो जाती है। तो आप बैठ के एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइजन करना, अगर आप लाइफ में सीख गए ना, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करना, अपने रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज करना सीख गए, तो आपका रिश्ता एक स्ट्रॉन्गेबल बन जाएगा। देखो घर में बर्तन है, बजेंगे जरूर, हस्बैंड वाइफ हो लड़ाई झगड़े जरूर होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको ऐसा भी मत बनाओ कि हथियार बना के आप कोर्ट कचहरी में एक दूसरे को क्या जा रहा है। हस्बैंड के पे आप केस किया वाइफ ने, तो इज्जत क्या वाइफ की नहीं जा रही? वाइफ पे हस्बैंड ने केस किया तो क्या इज्जत खराब नहीं हो रही? तुमको सोसाइटी में रहना है, इज्जत के साथ रहना है, रेस्पेक्ट के साथ रहना है, नहीं तो दुनिया तमाशा ना बनाई तुम्हारा, ये बात माइंड में फिट कर लेना, ठीक है। और जो एडल्ट्रियाँ कर रहे हैं उसमें ये भी सोच लेना कि जो तुम हरकतें कर रहे हो उसमें तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारे ससुराल की, दोनों की इज्जत खराब हो रही है, और तुमको कोई वाह वाह शाबाशी देने नहीं आएगा कि तुम शादीशुदा होते हुए इसे हरकत की। तो प्लीज़ अपने रिश्ते की कीमत समझे और साथ में रहना।